हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने यूपी पुलिस 2023 के लिए रीजनिंग के सिलेबस को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और उसमें हमने आपको बताया था कि हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक महाबैच लेकर आ रहे हैं जिसकी शुरुआत दोस्तों हो चुकी है और आज उसका पहला टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और बैठक व्यवस्था, इस बात को आप लोग समझते चलें। अब धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे ढंग से हम लोग करना चालू करेंगे और आज से आपका जो नया बैच है यानी कि जो महाबैच है वो स्टार्ट हो चुका है और आज से चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने को सारी मिलेंगी। तो तैयार रहें, रेडी रहें और पढ़ते रहें लगातार। देखो दोस्तों क्या इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं आज। सबसे पहले अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम आपको पता है बैठक व्यवस्था, जिसको हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है, बैठक व्यवस्था। दोस्तों सबसे पहले जानने की बात यह है कि अगर हम बैठक व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमें यही समझना होगा कि बैठक व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर हम बैठक व्यवस्था के प्रकार की बात करें यानी कि अगर बैठक व्यवस्था के टाइप की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते होंगे कि बैठक व्यवस्था जो है सबसे पहले पंक्ति बैठक व्यवस्था होती है। कौन सी बैठक व्यवस्था? पंक्ति बैठक व्यवस्था, पंक्ति बैठक व्यवस्था एक इसका प्रकार ये बनता है, पंक्ति बैठक व्यवस्था। दोस्तों दूसरा एक टाइप इसी में बनता है, ये इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, टाइप की, ठीक है, ये टाइप है इसके। पहला टाइप बनता है पंक्ति बैठक व्यवस्था। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो आप कहोगे सर वृत्ति बैठक व्यवस्था। दूसरा टाइप क्या है? वृत्ति बैठक व्यवस्था। दूसरे टाइप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्ति बैठक व्यवस्था। पहला टाइप पंक्ति बैठक व्यवस्था, दूसरा टाइप है वृत्ति बैठक व्यवस्था। इसके अगर तीसरे प्रकार की बात करें तो दोस्तों तीसरा जो प्रकार होता है वो आप उसमें कहेंगे वर्गाकार वर्गाकार ऑब्लिक लगा दो दोस्तों आयताकार वर्गाकार आयताकार इसके बाद पंचभुजाकार इसी के अगर आगे बात करें पंचभुजाकार के बाद ऑब्लिक लगा दो दोस्तों षष्ठभुजाकार और उसके बाद अष्टभुजाकार। तो दोस्तों देखिए बैठक व्यवस्था जो होती है उसमें मेनली तीन टाइप से सवाल बनते हैं। पहला पंक्ति बैठक व्यवस्था, दूसरा वृत्ति बैठक व्यवस्था और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे टाइप में हमने कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है जिसमें आपका वर्गाकार आयताकार पंचभुजाकार षष्ठभुजाकार और अष्टभुजाकार बैठक व्यवस्था होती है, अष्टभुजाकार बैठक व्यवस्था होती है। अब हम इन सभी को थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या आपका पंक्ति बैठक व्यवस्था होती है, क्या आपकी वृत्ति बैठक व्यवस्था होती है, क्या आयताकार है, क्या वर्गाकार है, पंचभुजाकार क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अब डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पंक्ति बैठक व्यवस्था की तो आप देख पा रहे होंगे कि पंक्ति बैठक व्यवस्था जो पहले टाइप ने हमने लिखवाया, आपको पता है सर कि पंक्ति बैठक व्यवस्था जो होती है वो भी मेनली दो तरीके से आप कह सकते हो कि बन जाती है। एक कैसी? एक जब आपकी पंक्ति जो है वो हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हो दोस्तों क्षैतिज पंक्ति हो। एक बैठक व्यवस्था तो ऐसी होती है जब पंक्ति जो हो वो कैसी हो आपकी, वो आपकी क्षैतिज हो। क्षैतिज का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका एक सिरा जो हो ये इधर वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायां बोलेंगे। और इधर वाला जो सिरा होगा उसको क्या बोलेंगे? दायां बोलेंगे। जब इस तरीके की कोई पंक्ति हो,
क्षैतिज रूप में, और वहां पर लोगों को अगर बैठाला गया है, किसी को भी बैठाला गया है, और उसमें एक सिरा जो होता है वो दायां, और एक सिरा जो होता है दायां, और दूसरा क्या होता है बायां होता है। इस तरीके की जो बैठक व्यवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज बैठक व्यवस्था, और ये अपना जो है ये पंक्ति बैठक व्यवस्था का ही एक भेद है। अच्छा, इसमें लोग कैसे बैठते हैं? तो अगर पंक्ति बैठक व्यवस्था है तो इसमें आप अगर आपको चार लोगों को मान लो बैठाना है तो 1 2 3 4 चार लोग बैठ गए। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार से लोग बैठ सकते हैं, है तो ये क्षैतिज बैठक व्यवस्था ही, लेकिन फिर भी इसमें दो प्रकार बन गए। वो कौन कौन से दो प्रकार? एक प्रकार ये बन गया कि जब यहाँ पर बैठे लोगों का, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, चार बैठे हों, पाँच बैठे हों, छः बैठे हों, 7 8 10 जितने भी लोग बैठे हों, उनका फेस यानी उनका मुख, एक तो ये हो सकता है कि उन सभी का मुख जो है वो ऊपर की तरफ हो। कहाँ की तरफ हो? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ होने का मतलब ये है कि जितने भी लोग बैठे वो सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और ऊपर की तरफ को देखने को हम लोग एक सेंस में कहते हैं कि उत्तर की तरफ देख रहे हैं। दूसरा दोस्तों एक प्रकार इसमें और बन जाता है कि मान लो पंक्ति तो ऐसी है, लेकिन होता यह है कि यहाँ पर बैठने वाले लोगों के जो फेस हैं वो कहाँ की तरफ हैं? नीचे की तरफ हैं। तो देखो दोस्तों, नीचे की तरफ अगर फेस होंगे और ऊपर की तरफ फेस होंगे, तो इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क होता है क्या कि जब फेस ऊपर की तरफ होते हैं तो हमें पता है कि अगर फेस ऊपर की तरफ है तो जो हमारा बायां होगा वही यहाँ बैठे वाले लोगों का भी क्या होगा? बायां। और जो हमारा दायां होगा वही यहाँ बैठे वाले लोगों का भी क्या होगा? दायां। ये कब होगा? जब सभी लोगों के फेस कहाँ की तरफ होंगे? ऊपर की तरफ होंगे। लेकिन जब उनके फेस नीचे की तरफ होंगे, नीचे की तरफ होने का मतलब क्या है? दक्षिण की तरफ होंगे। आपको पता होगा सर, दिशाएं जो होती हैं वो चार तरीके की होती हैं, यानी कि चार प्रकार की अगर हम बात करें दिशाओं की, तो चार आप उनके प्रकार बना लोगे। आप कहोगे सर इधर अगर चले जाओ तो ये पूर्व हो जाती है, इधर चले जाओ तो पश्चिम हो जाती है, ऊपर चले जाओ तो दक्षिण, और नीचे अगर चले जाओ, ऊपर चले जाओ तो उत्तर, और नीचे चले जाओ तो दक्षिण। इस तरीके से दिशाएं जो होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। अब हमने आपको बताया कि एक प्रकार तो वो जब इन सभी लोगों के जो फेस हैं वो ऊपर की तरफ हों, अगर ऊपर की तरफ फेस होंगे तो हम कहेंगे उत्तर की तरफ होंगे, और जब फेस ऊपर की तरफ होंगे तो जो हमारा रियल में दायां होता है वही यहाँ बैठे वाले लोगों का भी क्या होगा? दायां। जो हमारा रियल में बायां होता है वही यहाँ बैठे वाले लोगों का भी क्या होगा? बायां। बस याद ये रखना कि ऊपर की तरफ अगर फेस होगा तो हमारे हिसाब से दायां बायां चलेगा, और जब फेस नीचे की तरफ होगा तो चीज़ें उल्टा हो जाएंगी, यानी कि जो अगर हमें दायां लग रहा है तो वो बायां होगा, और अगर हमें बायां लग रहा है तो क्या होगा? दायां होगा। यानी कि चीज़ें क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी। जैसे आप घूम के भी देखना चाहो कि अगर मान लो चार लोग हैं वो नीचे की तरफ फेस करके बैठे हैं, नीचे की तरफ, तो आपको पता है नीचे की तरफ अगर फेस करेंगे तो इधर हमारा बायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में दायां पहले इधर था। यानी कि फेस बदलने से हमारे दाएं और बाएं में परिवर्तन हो जाता है। सवाल जब आएंगे हम तुम्हें अभी आगे डिस्क्राइब करके और बताएंगे, क्योंकि हमने सवाल भी इस तरीके के लिए हैं, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे अगर हम इसी के बात करें तो आपको बता दें कि ये तो हमने दो प्रकार बता दिए, अब इसी में क्षैतिज के बाद एक आपका ऊर्ध्वाधर बैठक व्यवस्था और होता है ना। पंक्ति बैठक व्यवस्था के हमने दो भेद बताए कि जब पंक्ति बैठक व्यवस्था होती है तो उसके दो भेद बनते हैं, एक आपका होता है क्षैतिज, एक क्या होता है? एक क्षैतिज होता है जो अभी हमने आपको बताया, और दूसरा आपका होता है ऊर्ध्वाधर, या जिसको हम लोग बोलते हैं लंबवत बैठक व्यवस्था, लंबवत बैठक व्यवस्था। ये दूसरा इसका टाइप होता है क्षैत पंक्ति में, ठीक है। एक क्षैतिज वाला होता है नंबर एक पे, और दूसरा आपका होता है लंबवत बैठक व्यवस्था। अच्छा, क्षैतिज बैठक व्यवस्था और लंबवत बैठक व्यवस्था, इन दोनों में फर्क होता है। आपको जैसे हमने अभी क्षैतिज वाले के बारे में बताया कि क्षैतिज बैठक व्यवस्था में एक इस तरीके की पंक्ति होती है, इसमें या तो फेस ऊपर की तरफ होगा या फेस नीचे की तरफ होगा। लेकिन जो अपना लंबवत बैठक व्यवस्था होती है उसमें ऐसा नहीं रहता, उसमें क्या रहती है कि लाइन इस तरीके की रहती है। जब हम किसी रैंक वाइज लोगों को बैठाने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि राम की रैंक जो है वो ऊपर से पांचवी है, तो आप देखो कि रैंक वाइज बैठाने के लिए आपको जो लाइन करनी पड़ेगी वो परपेंडिकुलर करनी पड़ेगी, यानी कि लंबवत करनी पड़ेगी। तो उस तरीके की अगर बैठक व्यवस्था होगी यानी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंबवत बैठक व्यवस्था बोलेंगे। और क्षैतिज बैठक व्यवस्था में जैसे आपने देखा था कि अभी एक तरफ बायां होता था एक तरफ दायां होता था, तो होता तो इसमें भी कुछ वैसा ही है, लेकिन परिवर्तन कितना होता है कि लंबवत बैठक व्यवस्था में ऊपर वाले को आप टॉप कह दो और नीचे वाले को क्या कह दो? बॉटम कह दो, हिंदी में आधार कह दो, ठीक है। टॉप कह दो इसको और इसको बॉटम, यानी इसको आधार कह सकते हो, ठीक है।
टॉप, इसको टॉप कह दो और इसको क्या कह दो, आधार कह दो। इस तरीके से इसमें भी बैठक व्यवस्था। अच्छा, जो बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि सर जो बात वहां पर थी कि जब क्षैतिज बैठक व्यवस्था थी तो लोगों का फेस जो था ऊपर की तरफ हो जाता था और फेस नीचे की तरफ हो जाता था, अगर लंबवत बैठक व्यवस्था है तो भी क्या कुछ ऐसा होता है? तो बिल्कुल ऐसा होता है। लंबवत बैठक व्यवस्था में ये होता है कि इनका फेस भी दो तरफ हो सकता है। एक तरफ कैसा कि जब इनका फेस जो हो इस डायरेक्शन में हो, बैठे तो लंबवत में ही है लेकिन इनका फेस जो हो इस डायरेक्शन में हो। इस डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है आपको पता है? सर अभी हमने बताया था आपको कि ये डायरेक्शन जो होती है पूर्व होती है, ये वाली पश्चिम, ऊपर वाली उत्तर और नीचे वाली दक्षिण, इस तरीके से होती है। तो अगर फेस इधर की तरफ है, इधर की तरफ होने का मतलब क्या है? पूर्व की तरफ है। अगर पूर्व की तरफ फेस होगा तो हमारा नीचे जाएगा वो दायां हाथ होगा और ऊपर जाएगा वो कौन सा होगा? बायां हाथ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि फेस के हिसाब से दायां बायां हमें डिसाइड कर लेना है, यानी दायां बायां कोई फिक्स नहीं है, दायां बायां उस हिसाब से चलता है जिस हिसाब से हमारा फेस होता है। क्योंकि अगर आपका फेस मान लो इस तरीके से लाइन है और फेस अगर इधर की तरफ है, चार लोग बैठे हैं और सभी का फेस इधर की तरफ है, तो जब फेस इधर की तरफ होगा तो दायां हाथ ऊपर जाएगा और बायां हाथ नीचे जाएगा, जबकि जब फेस इसमें थे, जब फेस इधर की तरफ था तो बायां हाथ उधर गया था और दायां हाथ नीचे जाएगा। इस तरीके से आपके फेस बदलने से दाएं और बाएं हाथ में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आपको पंक्ति बैठक व्यवस्था में कुछ लोगों को बैठालना हो लेकिन उसमें आपको ना बताए कि ये लंबवत है या क्षैतिज है और किस दिशा में है, तो हम क्या पता कर सकते हैं कि हाँ इनको हम किस दिशा में बैठाल दें जिससे हमारा आंसर सही आ जाए? तो बिल्कुल आप कर सकते हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको कभी नहीं बताया जा रहा है तो उसके लिए छोटी सी बात हमेशा याद रखो कि आपको तुरंत क्या करना है कि एक पंक्ति बना लेनी है और क्षैतिज बना लो। क्षैतिज क्यों बनाओ? क्योंकि वो हमें सुविधाजनक रहेगी। और उसमें भी क्या करो कि फेस उसका कहीं ऐसी जगह ना करो जो आपको दाएं और बाएं समझने में कन्फ्यूजन हो। सिंपल सा क्या काम करो कि एक क्षैतिज सी पंक्ति बना लो और उन सभी का फेस कहां की तरफ मान लो? ऊपर की तरफ मान लो। अगर उनका फेस आप ऊपर की तरफ मानोगे तो तुम्हें सिर्फ इतना फायदा हो जाएगा कि तुम्हें दाएं और बाएं में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ देखने से हमारा जिधर दायां होगा वही वहां बैठे लोगों का दायां होगा, हमारा जिधर बायां होगा वही वहां बैठे लोगों का भी क्या होगा? बायां हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों? इस तरीके से ये हमने डिस्क्राइब किया आपको पंक्ति बैठक व्यवस्था। तो पंक्ति बैठक व्यवस्था के दो भेद बताए, क्षैतिज बैठक व्यवस्था और लंबवत बैठक व्यवस्था। उसमें भी हमने बताया कि दोनों तरफ दिशाएं हो सकती हैं। क्षैतिज में आपकी उत्तर की तरफ भी फेस हो सकता है, दक्षिण की तरफ भी हो सकता है, और लंबवत में बताया पूर्व की तरफ भी हो सकता है, पश्चिम की तरफ भी हो सकता है। ओके, चलो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वृत्ति बैठक व्यवस्था, वृत्ति वृत्ति बैठक व्यवस्था। अच्छा, वृत्ति बैठक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि वृत्ति बैठक व्यवस्था, वृत्त का मतलब क्या हो गया? एक सर्किल। तो सर्किल में किस तरीके से लोग बैठते हैं उस बात को भी समझो। जैसे कि हमने एक सर्किल बना लिया इस तरीके से, अब हमने कहा इस सर्किल में मान लो आपको लोगों को बैठालना है। अब आप कहेंगे सर कितने लोगों को बैठालना है, तो वो आपको सवाल में बताया जाएगा। कभी कहेगा चार बैठा लो, कभी कहेगा छः, कभी आठ, है ना, इस तरीके से कहेगा कि इतने इतने लोगों को बैठालना है आपको। तो वो हमें समझना है कि अगर कितने भी रैंडम नंबर वो कह दे तो हम इनको कैसे बैठा लें कि चीज़ें हमारी जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हो और आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट निकले। क्योंकि बैठालने का एक इम्पॉर्टेंस रोल होता है, लोग अगर बैठेंगे ही नहीं सही तो आंसर हमारा काउंट करके कैसे सही आएगा? तो बैठालना कैसे, इस बात को गहराई से समझो। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि दोस्तों अगर आपको चार लोगों को बैठालने की बात आए, कितने लोगों की बैठालने की बात आए? चार लोगों की। अगर आपसे सवाल में ये कहे कि हमें व्रत में या वृत्ति बैठक व्यवस्था में चार लोगों को एक व्रत के या गोला के चारों ओर हमें बैठालना है, तो हम कहेंगे चार लोग बैठालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, चार लोग बैठाल दोगे आराम से, क्योंकि हमें पता है कि चार निश्चित लोग हैं और चार जो संख्या है अपनी वो सम है। अच्छा, सम और विषम का चक्कर क्या है भी हम समझा देंगे। चार आपने देखा संख्या सम है, तो आपको कैसे बैठालना है समझना। जैसे हमने कहा एक व्यक्ति मान लो यहां बैठ गया, तो अब आपको ध्यान रखना है कि दूसरा व्यक्ति आपको जस्ट उसके सामने बैठालना है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति आपने इधर कर दिया, चौथा व्यक्ति जस्ट उसके सामने कर दिया। अब हमने बताया कि
एक वर्ड लिया था सम, तो आपको पता है सर सम संख्या थी, इसी वजह से तो देखो हमने एक के सामने दूसरा आ गया और तीसरे के सामने चौथा आ गया। मान लो कोई कह दे कि सर चार ही क्यों, मान लो पांच लोग होते इस पंक्ति में तो क्या कोई दिक्कत थी? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो लोग कितने होते, अगर लोग पांच होते तो आप ये देखते कि ये तो चार सामने सामने आ गए, अब एक बचा है तो आप एक को कहीं पर भी बिठा सकते हो, यहां पर बिठा दिया। हाँ अगर लेकिन अगर छह हो जाता तो आप यही समझो कि पहले पांच थे तो एक इधर कर दिया। अब मान लो लोग कितने हो जाएं, लोग अगर छह हो जाएं तो जो आपने पांच वाली लाइन करी थी उसी के जस्ट सामने किसको कर दो, छह को कर दो, तो लोग कितने बैठ गए, छह बैठ गए। अभी कोई कहते सर सात अगर हो जाएं, तो हमने कहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोग सात हो जाएंगे तो एक लाइन इधर और खींच दो, सात लोग बैठ गए। कोई कहे सर अगर आठ होते, तो हमने कहा बिल्कुल आठ अगर होते तो एक लाइन इसके सामने खींच दो। और अब आप देख रहे हो कि हमारी सिटिंग जो है पूरी तरीके से हो चुकी है, आठ लोगों की सिटिंग हमने आपको करके दिखा दी कि अगर मान लो आठ लोग हों तो आपको किस तरीके से बैठाना है, तो आठ लोग इस तरीके से बैठ गए। अच्छा अभी हमने इसमें यह नहीं बताया कि इसमें वृत्ति बैठक व्यवस्था के भी भेद होते हैं, वो कैसे होते हैं तो वो भी समझ लो। वृत्ति बैठक व्यवस्था भी अगर हम बात करें तो वो आपकी दो तरीके की हो जाती है। क्यों दो तरीके की हो जाती है, उसका कारण ये है कि आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहले अब आपने यहाँ पर चार लोग छह लोग आठ लोग जितने भी लोग बिठा ले, अभी आपको नहीं पता है कि व्रत में एक सेंटर है यानी कि केंद्र है। अभी आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो व्रत के या वर्ग के गोले के चारों ओर जो लोग बैठे हैं वो किस डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं या कहाँ फेस किए हुए, यानी तो फेस करने के दो तरीके हैं, या तो फेस वो सेंटर की तरफ केंद्र की तरफ किए होंगे या फिर उनका फेस जो होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। तो इसमें भी दो प्रकार बनेंगे, एक जब उन सभी के फेस जो होंगे केंद्र की तरफ होंगे, केंद्र की तरफ होंगे उसका मतलब ये है कि आप ऐसे एरो बना के समझ सकते हो, और एक दूसरा प्रकार ये बनेगा कि जब उन सभी के जो फेस हैं वो केंद्र से कहाँ की तरफ हो जाएं, केंद्र से बाहर की तरफ हो जाएं। केंद्र से अगर बाहर की तरफ होंगे तो उस बात से क्या फर्क पड़ेगा, उस बात को भी समझ लो। जैसे मान लो हमने कहा छह लोग हैं या आठ लोग हैं और इनका फेस जो है आपको केंद्र से बाहर की ओर रखना है, तो केंद्र से बाहर की ओर रखने के लिए आप एरो ऐसे बना दोगे तो समझ जाओगे आपके हाँ इन सभी के जो फेस हैं वो कहाँ की तरफ हैं, केंद्र से बाहर की ओर हैं। आप समझ गए आसानी से। अच्छा इसमें फर्क क्या पड़ जाता है केंद्र की तरफ होने से और केंद्र के बाहर की तरफ होने से, चेहरा क्या परिवर्तन आ जाता है? तो परिवर्तन आता है, परिवर्तन इतना सा आ जाता है कि जैसे अगर व्यक्तियों के फेस जो हैं वो केंद्र की तरफ हैं, केंद्र की तरफ होने से जैसे हमने कहा ये मान लो व्यक्ति यहाँ पर कोई ए व्यक्ति बैठा है, अगर इसका फेस केंद्र की तरफ है तो दायां हाथ नीचे जाएगा और बायां हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसका फेस यहाँ पर हमने कहा कोई व्यक्ति अगर ए है और इसका बाहर की तरफ है तो आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ देख रहा और नीचे की तरफ देख रहा तो इधर आपका बायां जाएगा और इधर क्या जाएगा, दायां जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उनके फेस बदलते हैं, अगर उनके फेस बदलते हैं तो दायां और बायां बदल जाता है, इसीलिए उसमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हमें क्या रहता है कि डायरेक्शन घुमानी रहती, हमें भी घूमना रहता उसी के साथ साथ। तो आप ये हमेशा ध्यान रख के चलें कि उसका फेस जिधर की तरफ होगा उसी अकॉर्डिंग हमें अपने आप को एज्यूम करके और दाएं बाएं घूमना है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखें, ठीक है? तो दो तरीकों की जो है आपकी वृत्ति बैठक व्यवस्था हो गई है, क्लियर हो गई बात? चलिए भाई आगे चलते हैं। इसके बाद लास्ट और थर्ड टाइप आप बना लो, जिसमें आपने देखा कि वर्गाकार है ना, आयताकार, पंचभुजाकार, इसके बाद षष्ठभुजाकार और अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार ये लास्ट प्रकार और बचा है। इसमें आप और समझ लो कि किस तरीके से बैठक व्यवस्था होती है। तो देखो इसमें बातें जो हैं वो थोड़ी सिंपल सी हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन आकृतियों से हम पहले से ही परिचित हैं। अगर आप आकृतियों से परिचित होगे तो आपके लिए चीज़ें कहीं ना कहीं आसान हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें वर्ग की, तो आपको पता है वर्ग की जो आकृति रहती है वो इस तरीके से रहती है, और उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपको पता है सर वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएँ जो होती हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। तुम्हें पता है कि सर वर्ग और आयत
इन दोनों में वैसे तो डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपको वर्ग और आयत में उतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लोगों को बैठलने की बात है, यहाँ दूरी वगैरह मापनी आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें फ़र्क पड़ेगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। जैसे हमने कहा, ये मान लो कोई एक वर्ग है और आपसे ये कह दिया जाए कि सर वर्ग में हमें मान लो चार लोगों को बिठालना है, तो चार लोगों को आप कैसे बिठाल सकते हो? आप चार लोगों को कहोगे कि सर ये चारों लोग जो हैं इन वर्ग के चारों कोनों पर बैठ गए। लेकिन हमने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो कहता कि हमें आठ लोगों को बिठालना है, तो आप कहेंगे सर चार अगर वर्ग के कोनों पर बैठ गए तो अब चार और कहाँ बैठेंगे? वो बैठेंगे आपके भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर। जैसे हमने कहा एक भुजा ये ले लो तो एक यहाँ बैठ जाएगा, दूसरी भुजा अगर आपने ये वाली ले ली तो एक यहाँ बैठ जाएगा, तीसरी भुजा नीचे वाली ले ली तो एक यहां बैठ जाएगा, और चौथी भुजा अगर ये ली तो एक यहां बैठ जाएगा। आपको पता है अगर ये वर्ग है सर तब भी तो ये क्या है, ये सेंटर हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आयत का होता तो क्या सर कोई परिवर्तन आता? तो जी नहीं, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। अगर आप देखो कि ये आयत है तो इसमें भी अगर आपको आठ लोगों को बिठाना है तो भी ऐसे ही बैठना होगा। कैसे? कि चार तो इनके कॉर्नर पर कोने पर हो जाएंगे और उसके साथ साथ चार आपके जो हैं वो भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर हो गए। कभी कभी क्या होता है कि भुजाओं पर दो दो लोगों को बिठाल देता है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो वो सवाल में आपको एक्स्ट्रा से बताएगा कि हाँ कौन लोग कहाँ बैठे हैं। लेकिन जनरली जो लोगों का बैठने का क्रम होता है वो इसी तरीके से रहता है कि चार लोग जो हैं वो भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं और चार लोग जो हैं वो कॉर्नर्स पर बैठे हैं। अच्छा, इसमें भी प्रकार दो बन जाते हैं। कैसे दो प्रकार बन जाते हैं? जैसा कि आपने व्रत में देखा, वृत्ती बैठक व्यवस्था में देखा ना, कि एक तो जो उनके फेस होंगे वो केंद्र की तरफ होंगे, है ना, उनके जो चेहरे हैं वो कहाँ? केंद्र की तरफ होंगे। एक वो कि जब उनके चेहरे केंद्र से बाहर की तरफ होंगे। जैसे अगर बात कर लें कि अगर इसमें वर्ग वाले में अगर इन सभी के फेस जो हैं वो केंद्र की तरफ हैं, तो एक प्रकार तो ये बन गया, और दूसरा प्रकार ये बन सकता है कि जब इन सभी के जो फेस हैं वो केंद्र से कहाँ की तरफ हों? बाहर की तरफ हों। अगर केंद्र से बाहर की तरफ होंगे तो आप समझ लो कि ये आपकी डायरेक्शन को यानी कि आपके बाएं और दाएं को बदलने के लिए है, और आपको बाएं और दाएं जो है अपने हिसाब से अपने सही तरीके से बदलना होगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति मान लो यहां पर ए है और वो यहां पर बैठा है इस पोजीशन पर, और उसका फेस आप देख रहे हो कहां की तरफ है? बाहर की तरफ है। अगर उसका फेस जो है बाहर की तरफ है तो आप कहोगे सर बायां हाथ इधर जाएगा और दायां हाथ इधर जाएगा। बाहर का होने का मतलब वो ऊपर की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, तो बायां हाथ इधर और दायां हाथ इधर। लेकिन अगर हम वही बात कर लें कि अगर यहां ए होता इस जगह पर, तो आप देख रहे हैं सर एरो कहां की तरफ लगा है? नीचे की तरफ लगा है। और अगर एरो नीचे की तरफ लगा है तो अब बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। आप समझ चुके होंगे कि फेस बदलने से बाएं और दाएं बदल जाता है। और इस चैप्टर में सबसे खास बात यही है कि लोग यही नहीं पहचान पाते हैं कि कब हमें कैसे मुड़ना है। समझ गए बात को? तो ये आपको बहुत ध्यान से और बारीकी से समझते हुए चलना है। अच्छा, अगर हम बात करें वर्ग की हो गई, आयत की हो गई, अब अगर बात कर लें पंचभुजाकार की। पंचभुजाकार क्या होता, आप लोग जानते होंगे, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सर पंचभुजाकार एक ऐसी आकृति होती है जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं? पांच। नाम से ही पता चल रहा होगा। तो पांच भुजाओं का सेंस क्या है? पांच भुजाओं का सेंस ये है कि एक ऐसी आकृति बना लो जिसमें कितनी भुजाएं हो? पांच। जैसे हमने कहा एक लाइन ये खींच दो, एक लाइन ये कर दो, एक नीचे ले आओ, एक इधर ले आओ, और बाद में नीचे का क्या कर दो? मिला दो। तो आप देखो सर पांच बन गई, एक यहां से यहां तक, दो, तीन, चार, और ये पांच। कितनी हो गई? पांच भुजाएं हो गई। मान लो कभी कभार ये कहता है कि सवाल में पहले से ही बोल दे कि आपको पांच लोगों को पंचभुजाकार आकृति में बैठालना है, और आकृति तो वहां दे नहीं रहा है वो, तो आपको कैसी आकृति बनानी है? तो बिल्कुल ऐसी बेसिक आकृति आपको बनानी है। पांच लोगों का कहेगा तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और पांच हो गया। प्रकार इसमें भी दो बन जाएंगे। एक क्या कि जब इनका फेस जो है वो केंद्र की तरफ हो, है ना, और दूसरा क्या जब इनका फेस जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ हो। अब आप लोग समझ चुके होंगे, फेस अंदर की तरफ दायां बायां बदल जाएगा, बाहर की तरफ तब दायां बायां और बदल जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये पंचभुजाकार की बात हो गई। अब पंचभुजाकार के बाद आगे चर्चा कर लेते हैं षष्ठभुजाकार। नाम से ही पता चल रहा होगा षष्ठ का मतलब होता है कितना? दोस्तों षष्ठ का मतलब होता है छः, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हैं? एक ऐसी आकृति जिसमें आपकी छः भुजाएं हैं, और छः भुजाएं होंगी तो आपको पता है कि आपने कभी ना कभी एक छः भुजाओं वाली आकृति पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो आपको हो सकता है याद ना हो, लेकिन आपने पढ़ी जरूर होगी। हम आपको बता दें, आपने 11th
ट्वेल्थ में बेंजीन पढ़ा होगा, है ना, बेंजीन बनाए, बिल्कुल, तो उसी आकृति को हम लोग षष्ठभुजाकार में कह देंगे। आपको याद होगा बेंजीन कैसे बनाते, एक लाइन इधर करते, एक लाइन इधर, एक लाइन नीचे कर देते हैं, उसके बाद फिर से तिरछी ऐसी लाइन कर देते हैं, तो ये जो है आपकी बेंजीन की शेप बन जाती है। एक पॉइंट ये और यहाँ पर इनके कॉर्नर्स पर पॉइंट रख दो, आपको पता रहेगा कि कौन सा एंडिंग है, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आपने देखा सर ये सेंटर हो जाएगा इसका। अगर इस तरीके की षष्ठभुजाकार आकृति में भी छह लोगों के बैठाने की बात आती है तो भी आप इजीली आसानी से बैठा सकते हो कि छह लोगों को बैठाना है तो बस। लेकिन हाँ, समझना वही अभी भी है कि बैठेंगे दो तरीके से, या तो सेंटर की तरफ फेस होगा या सेंटर से बाहर की तरफ होगा, इतना हमेशा याद रखना। तो हमने कहा सेंटर की तरफ है तो एरो ऐसे लग जाएंगे, और सेंटर से बाहर की ओर होता तो एरो बाहर की तरफ लग जाते। लास्ट आपका जो है, लास्ट आपका प्रकार बचा है अष्टभुजाकार। अष्ट का मतलब होता है आठ, यानी एक ऐसी आकृति जिसमें कुल कितनी भुजाएं हैं, जिसमें आठ भुजाएं हों, एक ऐसी आकृति जिसमें आठ भुजाएं हों। तो अष्टभुजाकार आकृति को बनाने के लिए एक आसान तरीका ये होता है कि आप सिंपली एक क्रॉस बना लें, एक इधर से लाइन कर दें, एक इधर से लाइन कर दें, बाद में अगर आप इनको ईजिली मिला देते हो तो आई थिंक आपकी जो आकृति है जो बनेगी वो अष्टभुजाकार ही बन जाएगी। और इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन जो है आपकी सीधी सीधी हो जाएंगी, और जो तिरछी वाली लाइन है वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इससे अच्छी आकृति भी बना सकते हैं। कुल मिला के अष्टभुजाकार आकृति कैसे आप बना सकते थे हमने वो आपको बताया, और अगर आप अच्छी आकृति बनाना चाहते हैं तो और आप एक तरीके से और बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहें तो आपको पता है जैसे आपने बेंजीन बनाया था, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, इसको थोड़ा सा मोड़ो, इसको भी ऐसा मोड़ दो, ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन इधर कर दो, नीचे भी ले आओ, नीचे भी इधर ले आओ, और बाद में एक लाइन ऐसे जोड़ दो, तो ये भी आपकी जो आकृति है वो अष्टभुजाकार बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे सही लगे आप वैसी आकृति बना सकते हो। अगर आप ऐसी बना लोगे तो आपको ये फायदा रहेगा क्योंकि इसमें जो तिरछी लाइनें हैं वो भी आपको पता चलती रहेंगी, क्योंकि सवाल में जब कह देता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकर्णवत है तो आपको पता होगा विकर्ण का मतलब डायगोनली, यानी कि तिरछी रूप से सामने है। ठीक है, तो आपको वो लाइन समझने में आसानी होगी क्योंकि आपकी लाइन जो है पहले से खिंची होगी। तो दोस्तों इतना तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना ही चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात हमने नहीं बताई है जो आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा हो यानी कि ज़्यादा हो, बिल्कुल बेसिक वाली बातें बताई जितनी आपको किसी भी चैप्टर्स को, और मेनली इस चैप्टर को शुरू होने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इतनी बातें तो आपको जानना जो है वो ज़रूरी थी कि हाँ जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम चाहें पंक्ति बैठक व्यवस्था पढ़ें या हम बैठक व्यवस्था अगर पढ़ रहे हैं तो बैठक व्यवस्था होती कितने प्रकार की है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना, तो इतना हमें बताना जरूरी था। अब हम एक एक टॉपिक के सवालों को करेंगे और उसको समझेंगे कि सवालों को करना कैसे होता है। अब असली जर्नी जो है आपकी अब स्टार्ट होगी कि सवालों को हमें करना कैसे है। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक आज लिया, जैसे अगर हम बात करें पंक्ति बैठक व्यवस्था, तो पंक्ति बैठक व्यवस्था के सवालों को, या हम अगर बात करें कि क्षैतिज बैठक व्यवस्था इस तरीके से, लंबवत बैठक व्यवस्था, इनके सवालों को कैसे करेंगे तो उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने पहले सवाल की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे अपना पहला सवाल जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग एक काम करें कि आप लोग सवाल को देखते ही थोड़ा सा अपना वीडियो जो है वो पॉज करें और अपने मन से खुद से लगाने की कोशिश करें और देखें कि आपको पहले से कितना आता है, फिर जब आपको बताया गया तो कितना परिवर्तन आता है, आप कितना सीख पाते हो, है ना। धीरे धीरे अगर इस तरीके से आप भी प्रयास करोगे, हम भी प्रयास करेंगे, तो चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से सीख जाएंगे, है ना। आप भी नहीं समझ पाओगे कि आप इतना सीख गए और आप एक अच्छे लेवल तक की चीज़ों को समझ जाओगे, सीख जाओगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और लगाने की कोशिश पहले करना, नहीं आए तो फिर उसको देखना, एक बार में ना समझ में आए बैक करके आप दोबारा देखोगे 110% समझ में आएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम अच्छे ढंग से समझा पाएं। ठीक है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें, सवाल कह रहा है कि पांच लड़कियां हैं बीना, लीना, मीना, रीना और टीना। ये पांच लड़कियां थीं, बीना, लीना, मीना, रीना और टीना। कोई खेल खेल रही थी। वे उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी थीं। तो देखो दोस्तों यहां से अपनी काम की बात आई। सबसे पहले एक पकड़ने वाला पॉइंट ये था कि उनका जो फेस है
वो किस दिशा में है? उत्तर की ओर। अभी हमने पिछले बताया था कॉन्सेप्ट में कि उत्तर का मतलब ऊपर की ओर, उनका फेस कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह आई कि जो बैठने की व्यवस्था है वो कौन सी वाली है? पंक्ति बैठक व्यवस्था है, यानी लोग जो यहाँ बैठे हैं पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि हम इस तरीके से एक पंक्ति बना लेंगे और उसमें फेस उनके कहाँ की तरफ मानेंगे? ऊपर की तरफ मान के चलने हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा है कि मीना जो है वो पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है, यानी कि अब उन्होंने अपने सवाल की शुरुआत कर दी। अब आपको कैसे शुरुआत करनी है आप समझो। सबसे पहले एक चीज समझो कि आपको एक आकृति तो हमेशा दिमाग में बैठा के चलनी है, ये वाली आकृति कि सर इधर अगर चलोगे तो ये पूर्व मिलेगा, इधर अगर चलोगे तो क्या मिलेगा? पश्चिम। ऊपर अगर चलोगे तो क्या मिलेगा? उत्तर। और नीचे चलोगे तो क्या मिलेगा? दक्षिण। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहां पर बैठे जितने भी लोग हैं उनके फेस कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब उन्होंने सवाल की जो शुरुआत करी उसमें यह कहा है कि जो मीना है वो पश्चिमी छोर पर बैठी है, यानी कि मीना जो है छोर पर बैठी है। छोर का मतलब होता है किनारा, और किस किनारे पर, किस छोर पर? पश्चिमी छोर पर, यानी कि सबसे पश्चिम में बैठी है। तुम्हें पता है दोस्तों अगर इधर चलोगे तो पूर्व, इधर चलोगे तो पश्चिम, यानी कि अगर हम एक लाइन इस तरीके से कर देते हैं तो आपको पता है सर लाइन का ये वाला जो सिरा होगा, ये वाला जो छोर होगा ये पूर्व में होगा, और ये वाला जो छोर होगा वो कहां पर होगा? वो पश्चिम में होगा। तो यहां इसी छोर की बात हो रही है कि इसी छोर पर कौन बैठी है? इसी छोर पर बैठी है मीना। तो यहां पर हमने नाम डाल दिया मीना, कि मीना जो है वो पश्चिमी छोर पर बैठी है। सवाल को अगर आप एक एक स्टेप करके बारीकी से पढ़ते चलोगे तो आप सवाल को अच्छे तरीके से कर पाओगे। एक एक स्टेप को पढ़ो, कम समझ में आए दोबारा पढ़ो। सवाल को ज्यादा पढ़ना ही यही डिसाइड करता है कि आपको सवाल आएगा कि नहीं आएगा, और अच्छे ढंग से पढ़ना, ठीक है। आगे देखो, पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है, और आगे कह रहा है कि और टीना जो है वो पूर्वी छोर पर बैठी हुई है। हमें पता है कि ये वाला जो छोर है यही हमारा जो है यही पश्चिमी छोर है, इसी को तो हमने बताया था ये पश्चिमी छोर है, क्योंकि पश्चिम जो होता है वो इधर होता है और पूरब इधर होता है। तो ये वाला जो छोर है वो कौन सा छोर है? वो आपका पूर्वी छोर है। पूर्वी छोर पर कौन बैठी हुई? इन्होंने बता दिया है कि टीना। टीना कहाँ बैठी हुई है? वो पूर्वी छोर पर बैठी हुई है। तो हमने एरो कर दिया और यहाँ लिख दिया कि ये कौन है, तो आप कहेंगे सर ये टीना है। एक एक स्टेप को पढ़ते चलो, सवाल अपने आप आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है लीना और रीना, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में, रीना और लीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई हैं। अच्छा, अब बात हो रही है किसकी किसकी? अब बात हो रही है लीना की और रीना की। लीना और जो रीना है वो एक साथ बैठी हुई हैं बगल में, यानी कि लीना और रीना, लीना और लीना को हमने एल से दिखा दिया और रीना को आर से। लीना और रीना जो है वो बगल में बैठी हैं, एक साथ बैठी हैं। लेकिन हमें यहाँ से ये नहीं कुछ डिसाइड हो रहा है कि कौन लेफ्ट बैठा है, कौन राइट बैठा, कौन कहाँ बैठा है। इतनी बात हम समझ गए, अब हम इस बात को यहीं रोक देंगे। आगे पढ़ेंगे, आगे हमें डिसाइड होंगे कि हमें किसको कैसे बैठाना है। तो देखो जरा, अब यहाँ से बात शुरू हुई। उन्होंने कहा बीना जो है लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर। बिल्कुल। अब हमने देखा कि सर इन्होंने ये कहा कि बीना के बारे में बताया कि बीना जो है वो लीना के तो बाईं ओर है, और क्या, और जो है मीना उसके मीना के दाईं ओर बैठी है। मीना की कैसी बैठी है? दाईं ओर बैठी है। बात हो रही किसकी? बीना की। सवाल को पढ़ते रहना। बीना जो है वो लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर। अब हमें पता है कि बीना को बैठालना है हमें, तो मीना के अगर हम दाईं ओर की बात करें तो मीना पहले से वहां बैठी है, तो हम मीना के दाईं ओर तो बैठा सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल, कि मीना यहां है तो उसका दाया हाथ कहां होगा? इधर, क्योंकि मीना अभी ऊपर की तरफ देख रही है तो दाया हाथ इधर पड़ेगा। तो मीना के दाएं हाथ पर कौन बैठेगी? मीना के दाएं हाथ पर बैठेगी बीना। तो यहां आपने कर दिया कि मीना के दाएं हाथ पर बीना बैठ गई। अच्छा, अब बीना के बारे में दो बातें थी कि बीना जो है लीना के बाईं ओर है। अब लीना के ये बाईं ओर है, इसका मतलब बीना को बाएं होना पड़ेगा, बीना को लेफ्ट साइड होना पड़ेगा। किसके? लीना के। इसका मतलब लीना और इधर आ जाएगी, क्योंकि जब लीना इधर होगी तो आप देख पाओगे कि लीना इधर ऊपर की तरफ देख रही, और लीना की लेफ्ट कौन पड़ गई? लीना की लेफ्ट पड़ गई आपकी बीना। और सवाल में वही कह रहा था कि बीना जो है वो लीना के बाईं ओर है। बैठ गई लीना, ठीक। आगे देखो, आपको पता है कि लीना और रीना जो है वो बगल में बैठी थी। अब आपने लीना को पहले ही बिठा लिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जगह जो बची बगल वाली, ये किसकी बची है? ये रीना की बची है। तो यहाँ आपको किसको बिठा देना है? यहाँ आपको रीना को बिठा देना है। देखो, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी होती है इस चैप्टर में, सिटिंग अरेंजमेंट में,
कि जिन बातों को आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हम इनको कहाँ पर भर दें, है ना, या जो बात पहले से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल नई बात कोई आ गई तो आप अचानक कैसे भर सकते हो, तो उस बात को आप रोक दिया करो, उस बात को या फिर पॉइंट बना के अलग थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो, क्योंकि बात हम वही कर सकते हैं, लोगों को हम उन्हीं लोगों को बिठा सकते हैं जो पहले से किसी से कनेक्ट हैं, क्योंकि अचानक अगर कोई आ गया तो उसको कैसे बिठा लोगे, अगर कोई लिंक से आएगा, कोई कनेक्शन से आएगा तो उसको आसानी से बिठाया जा सकता है, तो आप तब तक सवाल को पढ़ते रहो जब तक कोई कनेक्शन ना निकल आए, जो व्यक्ति वहां पहले बैठा है और जो तुम दूसरा बिठा रहे हो तो दूसरे वाले का वहां बैठे वाले व्यक्ति से कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, अगर रिलेशन नहीं है तो आप ऐसे नहीं बिठा सकते रैंडम, तो तब तक आप खोजते रहो नए वाले को जिसका रिलेशन आ जाए, हाँ फिर रिलेशन एक बार आ गया फिर कड़ी से कड़ी मिलती चली जाएगी, और अगर तुम्हें लगता है कि पहले रिलेशन नहीं आ रहा है तो उन लाइन को या तो अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, उनको अभी रोक के चलो आगे के लिए छोड़ो और लास्ट तक तुम्हारा मैच कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि हमने लोगों को बिठाला, तो मीना, बीना, लीना, रीना और टीना, आपकी ये जो पांचों लड़कियां थी, आपको पता है ये पांचों लड़कियां जो है बैठ चुकी हैं। अब अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो आप देख लो, इन्होंने कहा था कि सर पूर्वी छोर में दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, दूसरे स्थान पर पूछी थी किस छोर में, पूर्वी, आपको पता है सर ये पूर्वी छोर था, इस पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर टीना थी और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर आपकी रीना बैठी हुई है, पहले स्थान पर कौन है, टीना, और दूसरे स्थान पर रीना, आप कहोगे सर आंसर नंबर भी हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, इस तरीके से आपको इस सवाल को करना था। अगर समझ में थोड़ा बहुत कम आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा बैक करके, है ना, समझ लेना चीजों को। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग इसको देखो, समझो, पढ़ो एक दो बार और पॉज करके लगाने की कोशिश करो और देखो कि आप लोग इसको पहले बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। अगर आप बना लेते हो तो ये बहुत अच्छा है, और नहीं बना पाते हो तो समझने की कोशिश करो और हम पूरा पूरा आपको बनवाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा कि सवाल में कौन कौन सी बातें जो हैं हाईलाइट करी गई हैं, कौन कौन सी बातें कही गई हैं। जब तक हम उनको समझ नहीं पाएंगे तब तक हमारे लिए चीज़ें कठिन होंगी, और एक बार अगर हम समझ गए कि किन किन चीज़ों को ये हाईलाइट कर रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर हम बात करें तो 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक पंक्ति में उत्तर की ओर, फिर आ गया सर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। पहली हाईलाइट वाली चीज़ क्या आई कि इनका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, वो उत्तर दिशा में है, ठीक है, मुख करके बैठे हैं। लेकिन उनका दिए गए क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो क्रम उन्होंने दिया है, कौन सा क्रम दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, इस क्रम में नहीं है, तो फिर किस क्रम में है, अभी बता रहे हैं। अब इन्होंने बैठालना शुरू किया कि डी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं, इन्होंने यहाँ से शुरुआत कर दी। तो देखो जरा, सबसे पहले हमें ये तो पता चल ही गया है कि इनको बैठालना कैसा है, उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर मुख करके बैठालना और एक पंक्ति में बैठालना है। तो हमने क्या करा सर, एक लाइन खींची, सिंपल सी इस तरीके की लाइन, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ हमें लोगों को बैठालना है और लोग हमारे पास ज़्यादा हैं, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो इनको हम आराम से बैठालने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि जो 8 लोग हैं, सभी का फेस जो कहां है, उत्तर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ होने से जो हमारा दायां वही यहां बैठे लोगों का दायां, जो हमारा बायां वही यहां बैठे लोगों का बायां। तो देखो जरा, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इन्होंने बताया है कि डी और एफ के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं। तो आप क्या करो सर, सबसे पहले एक लाइन करो और एरो ऊपर की तरफ लगाओ और लिख दो कि यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है डी। अब उन्होंने कहा डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तीन, तो हमने कहा थोड़ी दूरी पर यहाँ बना लो सर एफ, यहाँ हमने बना लिया एफ। अब इन डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं,
तीन व्यक्ति हैं, इसका मतलब बीच में तीन व्यक्ति हैं, तो आप तीन लाइन पहले से ही खींच लो। हमें ये तो नहीं पता कि कौन कौन लोग होंगे, लेकिन ये पता चल गया कि होंगे कितने, होंगे तीन ही। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने कहा है कि जी जी जो है वो डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बिल्कुल, अब जी के बारे में बताया है कि जी जो है वो डी के, ये डी बैठा है इसके लेफ्ट साइड बाईं ओर यहाँ पर ठीक बगल में बैठा है। कौन बैठा है? जी बैठा हुआ है। अब आप लोग, अच्छा दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो इन सवाल में, इस सवाल में जो नंबर दिए जाएँ कितने लोग हैं वो याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप चित्र बनाओ और वहाँ लोग ज़्यादा ही बन जाएँ आपके, है ना, तो वो हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ कहा गया था कि व्यक्ति कितने हैं, आठ, तो हमेशा याद रखना जो लाइन यहाँ पर बन रही है वो आठ से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। तो इन्होंने कहा कि डी और एफ के बीच तीन व्यक्ति हैं और जो जी है वो डी के लेफ्ट साइड है, तो हमने लेफ्ट साइड बैठा दिया है। आगे पढ़ो, अब इन्होंने कहा ई और बी, ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब इस बात को दोस्तों ध्यान समझना, हाईलाइट वाली बात है कि ई और बी, ई और बी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है। आप दोस्तों नहीं देख पा रहे होंगे कि ई और बी के बीच में अगर एक व्यक्ति बैठा है तो ना तो यहाँ पहले से ई है और ना पहले से बी है, इनमें से कुछ कोई भी पहले से नहीं है। अगर दोनों के में से कोई भी एक पहले से होता तो हम आसानी से बिठा देते, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आप इस लाइन को अभी रोक दो। और कब तक के लिए रोक दो? जब तक ई और बी से रिलेटेड कोई और बात ना आ जाए, है ना, तब तक के लिए आप इस लाइन को रोको। आगे देखो इन्होंने क्या कही, इन्होंने आगे फिर कह दिया कि ई किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। अच्छा, एक चीज तो ई के लिए डिसाइड हो गई कि ई किसी भी सिरे पर नहीं है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारे पास जो लोग थे वो आठ थे और यहाँ पर दो और चार छह, यानी कि छह लोग बैठ चुके, यानी अभी भी हमें दो लोगों की जरूरत है, है ना। तो अभी देखो हम उनको लाइन करेंगे, कैसे करेंगे आप समझना। इन्होंने फिर क्या कहा है, इस लाइन को आप लोग हाईलाइट रखना कि ई किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। आगे देखो, एच और ए के बीच में तीन से अधिक व्यक्ति, अब समझना इस बात को कि एच और ए के बीच में कितने, तीन से अधिक, तीन से ज्यादा होने चाहिए, चार हो जाएं, पांच हो जाएं, ज्यादा हो तीन से, तीन से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। फिर इन्होंने कहा है कि ए एच के बाईं ओर बैठा है। दूसरी कंडीशन ए और एच के बारे में क्या बताई, ए एच के बाईं ओर बैठा है। तो देखो इनको हम बैठाने की कोशिश करते हैं, अगर ए जो है वो बाईं ओर है किसके, एच के, और उन दोनों के जो बीच में व्यक्ति हैं वो तीन से ज्यादा हैं, समझना, ए जो है वो एच के कैसा है, बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है, तो ए एच के बाईं ओर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एच को यहां कहीं मान लें, समझना, एच को अगर हम यहां कहीं मान लें और उस एच के लेफ्ट साइड में कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन उनके बीच जो व्यक्ति हो वो तीन से ज्यादा हो, तो अगर हम सर ए यहां मान लें, ए अगर हम यहां मान लें, तो अभी आप देख रहे हो उनके बीच में व्यक्ति कितने हैं, तीन, इसका मतलब हमें तीन से ज्यादा करने हैं, तो एक व्यक्ति हम अगर और बढ़ा लें तो आप देख रहे हो कि आपकी टोटल जो काउंटिंग है वो कितने की हो रही है, आठ की, दो दो चार दो छः दो आठ, आठ की हो रही है, और अपनी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, कौन सी, कि एच और ए के बीच में तीन से अधिक व्यक्ति हो, तो H और A के बीच में कितने हैं, एक दो तीन और चार हैं, है ना। और दूसरी बात भी सेटिस्फाइड हो रही है कि A H के बाईं ओर बैठा है, तो देखो A जो है ये H बैठा है, इस H के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, A बैठा है, और दोनों के बीच में व्यक्ति कितने हैं, चार, यानी तीन से ज्यादा भी हैं। आगे पढ़ो दोस्तों क्या कह रहा है, और A में से, और इसमें से, यानी कि H और A में से किसी एक सिरे पर हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक सिरे पर भी है, तो देखो बिल्कुल H यहाँ पर क्या है, सिरे पर है, कॉर्नर पर है, बिल्कुल है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, D और F में से कोई भी किसी भी सिरे पर नहीं है, D और F में से कोई सिरे पर भी नहीं है, तो देखो ना तो D सिरे पर है, यहाँ पर G है सिरे पर, यहाँ पर H, यानी कि D और F सिरे पर भी नहीं है, इसका मतलब अपना सवाल जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। आगे देखो, अब इन्होंने क्या कहा, E और B G और D के निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस बात को ध्यान समझना कि जो E और B अभी हम छोड़ते चले आ रहे हैं, ये जो हैं तुम्हारे, ये G और D के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि पड़ोस में नहीं आएंगे। तो देखो G और D के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आपको पता है कि इसका मतलब यहाँ पर हम रख सकते हैं, लेकिन एक बात आपने पहले नोटिस करी होगी, E और B से रिलेटेड एक बात और थी कि E और B के बीच में केवल कितना व्यक्ति है, केवल
एक व्यक्ति है, इसका मतलब ई और बी पास पास नहीं आएंगे, उनके बीच में कितना व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति होगा। तो अब आप देखो कि एक स्थान ये होगा, एक स्थान ये होगा, यहाँ पर ई आ सकता है, यहाँ पर बी आ सकता है। इस बात को अभी आगे डिसाइड होगा कि कहाँ पर क्या आएगा। देखो जरा, इन्होंने कहा है कि ई और बी जो है वो जी और डी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई बी के, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ई बी के, ई फॉर एलिफेंट, बी के, बी फॉर बॉल के दाईं ओर है। दाईं ओर का मतलब राइट साइड है, ई बी के दाईं ओर है। देखो साफ साफ लिखा है ई बी के दाईं ओर बैठा है। अगर ई जो है वो दाईं ओर है बी के, तो आप बी को यहां कर दो, उसके दाएं हाथ पे किसको कर दो, ई को कर दो। और आपको पता है कि सर उन्होंने ये भी कहा था कि ई और बी के बीच में केवल कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। तो देखो है क्या, बिल्कुल एफ बीच में बैठा है। अब एक स्थान जो यहां पर बचा, एक स्थान अभी बच रहा है, उस स्थान पर एक लोग भी बच रहा है, कौन सा, देख लो सर, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इसमें कौन कौन से हो गए हैं, ए भी हो गया, डी जी सब हो गए, लेकिन सी नहीं आया। इसका मतलब यहां पर कौन आएगा, सी आएगा। और आप देख सकते हैं कि जो आपके आठ के आठ लोग थे, कितनी आसानी से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले गए। जो बातें हमें लगी कि उनको पहले नहीं बिठा सकते, छोड़ दिया, लास्ट में अपने आप उनका कंक्लूजन बनकर तैयार हो गया और सारी की सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। अब देख लेते हैं अपना आंसर्स क्या रहने वाला है। सवाल में आपसे पूछा गया था कि H और C, वही बात आ गई क्या कि H और C के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, H और C के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। आप देख सकते हो कि सर H यहां पर था और C यहां पर था, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक दो और तीन, इनके बीच में तीन व्यक्ति थे, F B E, यानी कि तीन व्यक्ति। आप कह सकते हो सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है, थ्री इज द करेक्ट आंसर, तीन बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है, आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। आप लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा समय लेके इसको पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। नहीं आएगा हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप प्रयास एक बार जरूर कर लें, क्योंकि हमारा मानना है कि जो आपके खुद से लगाने से आ गया वो आपका हो गया, लेकिन अगर हमने बता दिया और आपको आया है तो अभी वो हमारा है। जब तक आप उसको एक बार खुद से बिना बताए नहीं लगा लेंगे, तब तक वो आपका नहीं है। आप अगर ये सोचो कि हमने बता दिया और आपने लगा लिया आपका है, तो आप गलत सोच रहे हो। आपका नहीं है वो, अभी हमारा है, हमने बता दिया आपने लगा लिया। लेकिन अगर इन फ्यूचर आप एक बार उसको बिना बताए अपने मन से फिर से कर जाते हैं, तब आप मान लेना कि अभी आपका हो गया सवाल। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि आप देखा करो कितने परसेंट अभी चीज़ें आपकी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ें होनी चाहिए। अगर लास्ट तक कहीं आप भूलते हो, है ना, तो आप देख लिया आपने कि हाँ इतने लेवल तक तो हम चले गए थे, इतनी सी बात और अगर हमें पता होती तो पूरा आ जाता, तो आप और इम्प्रूवमेंट करोगे, और इम्प्रूवमेंट करोगे। पूरा आप बोझ हमारे ऊपर ना रख दो कि पूरा जवाब सर बताओ तभी हम लगा लें, उसको देख लें समझ लें। खुद से पहले कोशिश करो, उसके बाद देखो। ठीक है, चलो आपने कोशिश कर ली होगी। अगर हम बात करें इसकी, तो सवाल को पहले अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ो भाई सवाल को, क्या कह रहा है, सात बक्से, सात बक्सों की बात हो रही है। सात बक्से नाम दिए गए हैं एस पी एल क्यू आर एम और एन। सात बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। फिर से वही बात आ गई कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे हैं, क्रम कुछ भी हो सकता है, वही तो आपको पता करना है। अब देखो कंडीशन क्या दी गई है, एम और एल के बीच केवल तीन बक्से रखे गए हैं। केवल कितने बक्से, तीन बक्से रखे गए हैं, किसके किसके बीच में, एम और एल के बीच में। तो सवाल को समझना, इसमें ये कह रहे हैं कि सात बक्से जो हैं, कितने बक्से हैं, सात, ये भी एक नंबरिंग याद रखना, सात बक्से जो हैं वो ऐसे क्रम से रख दिए गए। ठीक है, उनमें ये कहा गया कि एम और एल के बीच में कितने बक्से हैं, तीन बक्से हैं, ये इन्होंने कंडीशन बता दी। तो देखो भाई हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने ये कहा कि मान लो कोई एक बक्सा रखा है ये एम, जैसा कि इन्होंने बताया ये बक्सा एम रखा है, और ऊपर एक मान लिया बक्सा हमने रख दिया यहाँ पर एल। ठीक, इन्होंने कहा कि M और L के बीच में कितने बक्से रखे हैं, तीन बक्से रखे हैं, एक दो तीन, अभी हमें नाम इनके नहीं पता है। ठीक है, इन्होंने कहा M और L, हाँ M और L के बीच में केवल तीन बक्से रखे गए। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे कहा कि M और L को ना तो सबसे नीचे रखा गया है और ना सबसे ऊपर। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि L के ऊपर कोई होगा ही नहीं,
और ना ऐसा है कि अब एम के नीचे कोई नहीं होगा, इनके ऊपर भी हो सकता है और इनके नीचे भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर संभावना तो ये भी है, जरूरी थोड़ी है कि एल ऊपर हो और एम नीचे हो। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा भी संभव है कि एम ऊपर होगा और एल नीचे, ऐसा भी जो है वो हो जाता है। लेकिन इस बात को इसलिए ज़्यादा हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आपसे उनकी पोजीशन नहीं पूछी गई है, यहाँ केवल और केवल सिर्फ इतना ये पूछा गया है कि उनके बीच में कितने बक्से हैं। और अगर बक्से की संख्या पूछी जाती है तो आप ऊपर नीचे परिवर्तन कर दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका बिल्कुल सही निकलेगा, है ना। देख लेते हैं अभी करके, तो इस बात को आप समझते चलना, ठीक है। बाकी हम बता भी दोनों तरीके से देंगे, आप समझ लेना अपने तरीके से, जो आपको सही लगे उसी तरीके से आप कर लेना। तो देखो जरा आगे क्या कह रहा है कि M और L ना तो सबसे नीचे रखा गया है M और L को और ना ही सबसे ऊपर रखा गया है। आगे क्या कह रहा है, L और N के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं। L और N के बीच कितने बक्से रखे गए, दो बक्से रखे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अभी देखो L और N हमने मान लो लिख लिया कि L यहाँ पर है, उनके बीच बक्से कितने हैं, दो। अभी कोई कहे सर आपने L बना तो दिया है, अब N को यहाँ बना दो। देखो आपका सोचना सही हो सकता है लेकिन अभी हमें L और N की पोजीशन कंफर्म नहीं पता है। L की तो पता है कि यहाँ पर है लेकिन ये नहीं पता है कितने इसके ऊपर होंगे कितने इसके नीचे होंगे। तो अभी इस लाइन को रोक के चलो, ठीक है, बना लेंगे इसको, ठीक है। आगे सुनो, S R के ठीक नीचे है, S जो है वो R के ठीक नीचे, ना तो अभी S है ना कहीं R है। अभी इसको भी आप हाईलाइट करो कि S R के ठीक नीचे है, आगे बढ़ेंगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हाईलाइट रखो। फिर क्या कह रहा है, S और Q के बीच केवल एक बक्सा है। S और Q के बीच कितना, केवल एक बक्सा है, ठीक। अब देखो आगे क्या कह रहा है, M को L के ऊपर रखा गया है। अब देखो क्या कह रहा है, M को L के ऊपर रखा गया है। अगर आप M को यहाँ रखते हो, L को यहाँ रखते हो तो देखो गलत हो जाएगा। हमने कहा था कि चीज़ें वो खुद बताएगा सवाल कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट करनी है। फिर उन्होंने बता दिया कि M को L के ऊपर रखा गया है। M को L के कहाँ रखा गया, ऊपर। और अगर M को L के ऊपर रखा गया इसका मतलब इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और आप M को L के ऊपर करने के लिए इस वाले को आप मान के चल लो या फिर आप सीधे सीधे ऐसे बना लो कि M ऊपर कर लो और L नीचे कर लो और उनके बीच आपको पता है कि व्यक्ति कितने थे। क्या कहा इन्होंने देखना जरा कि M को L के ऊपर रखा गया है, यानी कि यहाँ L कर दो यहाँ M कर दो, उनके बीच कितने हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। लास्ट में आपको पता है कि आपसे पूछा क्या गया है, M और N के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। आपने देखा सर सवाल तो हमारा पूरा ख़त्म हो गया और अभी हम बात तो कुछ आगे कर नहीं पाए। तो बिल्कुल एक बार आपने सवाल पढ़ लिया और ये डिसाइड कर लिया कि M और L को कहाँ रखा जाएगा, अब आप चीज़ों को भरना धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हो। कैसे शुरू करोगे, इस लाइन को समझो। सबसे पहले M और L को ना तो सबसे ऊपर रखा गया है ना ही सबसे नीचे रखा गया है। फिर उन्होंने कहा कि L और N के बीच में केवल दो बक्से हैं। अच्छा, आपको पता था सर टोटल बक्से कितने थे, सात। और आप देख पा रहे हो, एक तो ये M वाला बक्सा हो गया, एक L वाला बक्सा हो गया, है ना, एक M वाला हो गया एक L वाला हो गया, बाकी आप देख पा रहे हो तीन बक्से ये भी तो हैं। कौन कौन से, ये जो इनके बीच में रखे हैं, क्योंकि उसने कहा था ना कि M और L के बीच में कितने बक्से हैं, तीन। तो बीच में भी तो तीन बक्से हो गए, एक दो और तीन। आपने देखा सर टोटल बक्से थे कितने, सात। टोटल सात बक्सों में से एक ऊपर M, एक नीचे L और बीच में तीन, पांच हो चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा दो बक्से हमारे जो हैं वो और बचे हुए हैं। तो उन दोनों बक्सों को हम कैसे बिठा लेंगे। और एक बात और बताई कि M जो है ना तो ऊपरी छोर पर है और L जो है वो ना तो निचली वाली छोर पर है, यानी कि ये छोर पर नहीं है। तो या तो इसके ऊपर भी एक मान लेंगे और एक इसके कहां मान लेंगे, नीचे मान लेंगे। तो यहां पर एक जगह कर दी और एक जगह ये थी तो पहले और एक हमने यहां कर दी। अब आप देख पा रहे हो एक दो तीन चार पांच छः सात, सातों के साथ हो चुके हैं पॉइंट। अब बस भरना आपका बाकी है और आप आसानी से भरोगे। कैसे, समझो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि L और N के बीच में दो बक्से हैं। L और N के बीच में अगर दो बक्से हैं तो आप समझ लो सर कि L अगर यहाँ पर है, है ना, L और N के बीच में केवल दो बक्से रखे गए। अगर L यहाँ पर है और L और N के बीच में दो बक्से हैं तो आप N को यहाँ मान के चल सकते हो कि L और N के बीच में ये दो बक्सों का स्थान बाकी है। तो हम कह देंगे कि L और N के बीच में कितने बक्से हैं, दो बक्से हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है, S R के ठीक नीचे है। S जो है वो R के कैसा है, R के ठीक नीचे है। अब आप देखो कि सर यहाँ S को नहीं कर सकते क्योंकि इसके ठीक ऊपर जो है वो
इसके नीचे कोई जगह नहीं है, यहाँ पर हम एस को नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे आर के लिए जगह नहीं है, तो अब निश्चित जगह यही बची कि एस जो है, समझना, एस जो है वो आर के ठीक नीचे है, तो इसका मतलब जो है आर यहाँ बना लो और इसके ठीक नीचे किसको कर लो, एस को। तो ये हो गया क्या, एस जो है आर के ठीक नीचे हो गया। आगे देखो फिर उन्होंने क्या कहा कि एस, समझना, S और Q के बीच में केवल एक बक्सा है, S और Q के बीच में केवल कितना बक्सा है, एक बक्सा है, तो अगर S ये है तो नीचे हम Q को बना लें। अब आप देखो कि S ये, Q ये, इनके बीच में कितना बक्सा है, एक, कौन सा वाला, L वाला, तो इसका मतलब एक पॉइंट ऊपर बचा और आपके पास सात में से कौन सा वाला बिंदु बचा, आप देख पा रहे हो सर P बचा है, इसका मतलब सबसे ऊपर कौन आने वाला है, सबसे ऊपर आपका पी वाला बक्सा आने वाला है और अपना पूरा चित्र बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि सवाल में पूछा क्या गया है, आप कहोगे सर पी और एन के बीच में कितने बक्से हैं, पी और एन के बीच में कितने बक्से हैं, तो देखो भाई काउंट करो, ये पी रहा और ये रहा आपका एन, और इन दोनों के बीच में केवल केवल एक बक्सा है, वो कौन सा वाला, वो आपका एम वाला, क्योंकि पी और एन के बीच में बक्से पूछे गए थे तो केवल एक बक्सा है, और ऐसा बिल्कुल ऑप्शन अपने पास है ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, सवाल को जितना अच्छे तरीके से पढ़ोगे चीज़ें उतनी समझ में आएंगी। एक बार आपने सवाल पूरा पढ़ लिया और आपको लगता है कि अभी भी चित्र अपना कंप्लीट नहीं हो पा रहा, बन नहीं पा रहा, कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार में चित्र कंप्लीट हो जाए, आप एक बार में पूरे सवाल को जल्दी से पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग करो, उसको समझने की कोशिश करो और दोबारा से उसको बारीकी से पढ़ो, तो 100% चित्र आपका सही बनेगा। ठीक है।